मैं हूं जहांगीर असद, न्यूज एप के में आपका स्वागत है। मुमरा शहर के अंदर विकास के गंगा बहाए और पूर्व नगर सेवक हमारे साथ में सुधीर भगत, उनका अभी तक का कार्यकाल जानेंगे। खास करके मुमरा शहर के अंदर जो शिकायत है, जो इल्ज़ाम लगते हैं पूर्व नगर सेवकों पे या फिर माजी नगर सेवकों पे, वो ये रहता है कि मुमरा शहर के अंदर जो रिजर्वेशन थे उसके ऊपर उन्होंने कुछ नहीं किया। तो सीधी बात करेंगे है, क्या किया है क्या नहीं किया है, और उनका जब नगर सेवक का कार्यकाल था उस वक्त जनता के लिए, मुमरा वासियों के लिए सुधीर भगत ने क्या किया था। सीधी बात सुधीर भगत जी से। सर बताइए, इल्जाम पे इल्जाम लगते हैं कि बस जैसे कि सिटिंग एमएलए जितेंद्र अवार्ड आए जब से 2009 से, तब से एक प्रोटोकॉल चल गया कि सिर्फ और सिर्फ जितेंद्र अवार्ड जिसको टिकट दे देते हैं वो जीत जाता है। जीतने के बाद में 15 साल से कई नगर सेवक लोगों को आदत पड़ गई है कि साहब जीता देते हैं, हमको घर बैठे रहना है 5 साल, क्योंकि नारियल भी फोड़ने जाते हैं टॉयलेट बाथरूम का। तो सिटिंग एमएलए जितेंद्र अवार्ड और रिजर्वेशन के ऊपर भी कुछ काम नहीं किया है, तो आपका कार्यकाल बताइए और जनता को दीजिए सीधा जवाब। इस माध्यम से आप इस तरह से कहना चाहते हो कि जिन लोगों को जितेंद्र अवार्ड साहब ने चुन के दिया वो लोग बीच में जनता के बीच में आके कोई काम नहीं कर रहे, ऐसा आपका शायद आपके कहने से और आपके बोलने से तो मुझे ये आरोप लग रहा है कि जैसे लोग काम नहीं कर रहे। वो उन तक है कि वो जिन लोगों को जितेंद्र अवार्ड साहब ने टिकट दिया, जो लोग चुन किया है, वो लोग ने अगर लोगों के काम नहीं किए तो ये उनकी नाकामी है, ये उनका फेलियर है। क्योंकि अगर मैं दूसरे बाजू में देखा जाऊं तो माँ बाप बच्चों को स्कूल में डाल सकते हैं लेकिन माँ बाप खुद पढ़ाई नहीं कर सकते, तो वैसे ही वो नगर से हो गया, उनको वो करना चाहिए था जो उन्होंने नहीं किया। आपका कार्यकाल बताइए। मेरे कार्यकाल का आप इतिहास लोग है तो आप देखिए, जो आज टाकी आप देख रहे हो हमारे कार्यकाल में, यानी माया और भोले साहब हम सब थे तभी से लेके अभी तक का कार्यकाल है। हमारे कार्यकाल में सम्राट नगर का जो कॉन्क्रीट रोड है वो हमारे कार्यकाल का है, ठाकुरपाड़ा का जो नाला है वो हमारे कार्यकाल का है। आज आप देख रहे हो संजय नगर के अंदर जो रास्ता बड़ा किया गया वो हमारे कार्यकाल का है। गांव देवी के अंदर आपको ट्रांसफॉर्मर नहीं थे, उस वक्त सुनील तटकरे साहब थे तो हमने ट्रांसफॉर्मर्स लगाए संजय नगर में। डेवलपमेंट, अगर हम डेवलपमेंट पसंद लोग हैं, हमने लोगों की गालियां खाई है डेवलपमेंट के लिए, न डेवलपमेंट के लिए नहीं, हमने लोगों की गालियां खाई है क्योंकि हम डेवलपमेंट वादी, हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं। आज आप रोशनी के इधर का देखोगे वो कंक्रीट रोड हमारे टाइम का है, आप रोशनी के बाजू का नाला देखोगे वो हमारे वक्त का है, आप मार्केट का रोड देखिए हमारे वक्त का है। कहने की बात ऐसी है कि जहां पर भी हमको चांस मिले, जहां पर भी हमको संधि मिले, हमने हर चीज को हमने लगे हाथ लिया है और उसको पूरा किया है। रिजर्वेशन पे क्या काम किया है? रिजर्वेशन जब आपके टाइम पे आया था वो असुरक्षित है, यानी कि रिजर्वेशन मुमरा के ज्यादा से ज्यादा खत्म कर दिए हैं। आप लोगों पे इल्जाम लगाती है जनता, ये वो लोग हैं जो इल्जाम लगाते हैं, घर पे बैठे बैठे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाते हैं और बस इल्जाम थोपना है मीडिया कर्मी पे, इल्जाम थोपना है माजी नगर सेवकों पे। क्या खुलासा करेंगे, सीधा देंगे जनता को जवाब सुधीर भगत? मेरे कार्यकाल के अंदर मेरा जो इलाका था उसमें कोई रिजर्वेशन था? मेरे कार्यकाल में एक जो रिजर्वेशन है वो एक पोस्ट ऑफिस का, जो एक पुलिस स्टेशन के सामने, जो अभी गए 2 या 3 साल से, मैं उस वक्त नगर सेवक नहीं था लेकिन जब तक मैं नगर सेवक था वो जगह खाली पड़ी थी, आप समझे, हमने उस पर रिजर्वेशन के ऊपर कोई चीज आने नहीं दी। लेकिन जैसे ही हमारा कार्यकाल खत्म हुआ, आज आप वहां देख रहे होंगे वहां पर वो शादी का हॉल या कुछ आ गया है, जो भी है बहरहाल वो उनका मसला है कोर्ट का। लेकिन मेरे इलाके के अंदर तो रिजर्वेशन नहीं था, लेकिन जिस इलाके में रिजर्वेशन था हमने उस रिजर्वेशन को वैसे ही रखा गया था। लेकिन अभी ये 5-6 साल के अंदर जो रिजर्वेशन, हम सत्ता से बाहर हुए और रिजर्वेशन की सब उल्टा शुरू हो गई। चलो, क्या पत्र व्यवहार करेंगे? 9, 10, 11 रिजर्वेशन है पेट्रोल पंप के पीछे, सफरन जो टीएमसी बिल्डिंग बनी है वहां के ऊपर, वो सुरक्षित कैसे होगा, उसका ओपनिंग कैसे होगा? क्या पत्र व्यवहार करने का आपको अधिकार नहीं है? आज मैं जनता की तरह, जनता के नाते मैं पत्र व्यवहार कर सकता हूँ,
हम हमारे, लेकिन आपको सबको पता है कि अच्छे अच्छे मिनिस्टर्स हो या अच्छे अच्छे नेता हो या अच्छे अच्छे पदाधिकारी, इनको एक कहावत है, केरा की टोपली यानी कचरे का ढेर कैसे बनाया जाता है, आप सबको मालूम है। अगर किसी अधिकारी को अगर आपका काम नहीं करना है तो वो आप कितने भी उनको लेटर दे दो, मुझे बताइए कि जिस स्मशान भूमि या कब्रस्तान के ऊपर मुमरा के सैकड़ों लोगों ने लेटर दिए, कई लोग कोर्ट में जाने की बात किए थे, कोई गया नहीं गया वो मुझे मालूम नहीं, आप तोरण की बात कर रहे हो, आप स्मशान भूमि की बात कर रहे हो, आप एमएम वाली का जो रास्ता है वो आगे ज्वाइन करने का हुआ, उसके ऊपर किसने कब्जा किया है? फिर जब कब्जे की बात आती है तो हम धर्म के नाम करते हैं, और फिर जब कब्जा और जब सुविधा चाहिए तो आप कहते हो, यानी देखो कुछ हद तक मैं इनको नगर सेवक को भी जिम्मेदार नहीं मानता हूं, हमको भी उसके अंदर जागरूक होना चाहिए, जनता जागरूक रहे ना तो और कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये थे सुधीर भगत जी, जनता जागरूक होना चाहिए, हम लोग कुछ नहीं कर सकते साहब, जनता है, जनता जागरूक होने के बाद में भी जैसे आपने कहा कि कचरे की टोकरी, क्या कहा वो, केरा की टोकरी केरा की टोकरी, यानी कचरे का जो जो डब्बा होता है तो उसको लेटर डाले जाते हैं, हाँ, पत्र तो व्यवहार कितना भी कीजिए, लाखों पत्र व्यवहार कीजिए, प्रशासन शासन कोई भी काम नहीं किया अभी तक, मुमरा शहर के अंदर असुरक्षित थे रिजर्वेशन, लेकिन वो लोग भी परेशान होने के बाद में हम लोगों के ऊपर छोड़ दिया है कि ये सवाल नहीं करते, और माजी नगर सेवकों के ऊपर छोड़ दिया है ये सवाल नहीं करते, तो साफ सवाल आप पे भी उठता है, आप लोग क्या कर रहे हो, जाइए ना कमिश्नर से मिलिए, जाइए ना टीएमसी ऑफिसर से मिलिए, क्या आपको अधिकार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टोकरा मीडिया कर्मियों पे फोड़ते हो तो अच्छी बात नहीं है, आपकी भी जिम्मेदारी है, जैसे सुधीर भगत ने कहा कि हमने हमारे कार्यकाल के अंदर कोई रिजर्वेशन नहीं था, तो आप पूछिए ना सिटिंग एमएलए जितेंद्र अवार्ड से पूछिए, 9, 10, 11 का रिजर्वेशन कहाँ गया, देखिए कुछ याद आया सुधीर भगत को। ऐसा है कि रिजर्वेशन आप कहे जितेंद्र अवार्ड से पूछिए आपके, मैं जब सेने में था आपको मैं क्लियर कट कहना, हम लोगों ने हमारे तौर तरीके से उसके ऊपर रिजर्वेशन के ऊपर आवाज उठाई, लेकिन मुमरा की जनता हमसे ही सवाल करने लगी, भाई हमको कब्रस्तान मिल रहा है ना तो आप क्यों बोल रहे हो, ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं हिंदू हूं, मैं किसी के चीज के खिलाफ बात कर रहा हूं, हम लोग है ना मुमरा के लोग हम कैची में फंसे हुए, बोलो तो गलत और ना बोलो तो गलत, क्या रास्ता, मुमरा के लिए कब्रिस्तान पास हुआ था, जैसे मुझे मुमरा के मुझे लिए मुझे कब्रिस्तान पास मुझे कराया था, मुमरा की वो आवाज पहुंच में, गया, वो पहुंच गया काउंसा में, सुनो वो पहुंच गया काउंसा मैं में, आपसे बात कर रहा हूँ और आपसे भी मैं ये बात कर रहा हूँ और मुमरा के आवाम से भी बात कर रहा हूँ कि जब तक ये कब्रिस्तान नहीं बना हुआ था, शिया समुदाय ने उनका कब्रिस्तान लिया ना, लिया लिया जिस जगह पे था, भले वो किसी भी तौर तरीके से हो कुछ भी हो, उन्होंने उनका हक लिया ना, तो फिर ये कब्रिस्तान की जगह बाकी मुमरा के लोगों ने क्यों नहीं ली? जब सबकी मीटिंग रखी थी मैंने उस वक्त आवाज उठाई थी कि आओ सबसे पहला खंभा मैं गाड़ूंगा, सुधीर रामचंद्र भगत पहला खंभा गाड़ेगा, अगर वहां पर जो लोग हैं मैं उन सबको वहां पर लाके खड़ा करूंगा, कि मैंने कहा था कि उस कब्रस्तान की जगह पे जहां रिजर्वेशन है वहां पर सबसे पहला खंभा मैं गाड़ूंगा, जो गुनाह दाखिल होगा मुझ पर होगा, आप लोग आइए, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले भी नहीं आए, सिर्फ पत्र व्यवहार करके दूसरे के ऊपर ठेकरा फोड़ने के लिए इनके पास बराबर समय निकला, लेकिन साहब आपने भी इस पे मोहर लगा दी है, अब आप ये बताइए वो कब्रस्तान में इतना बवाल है, कौसा कब्रस्तान जो बन गया है, मुमरा को कब्रस्तान कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, जो था उस पे तो हमने महल बना दिए, कब्रस्तान पे मुमरा में महल बन रहे हैं और मुमरा की 15 लाख की मुसलमान आबादी खामोश है, तो हम क्या करें? मैं आप अगर ऐसा कहोगे तो मैं गैर जमानत आप जमानत का आदमी, हम आवाज उठाएंगे कब तक उठाएंगे, जब आपका साथ मिलेगा तब आवाज उठाएंगे, लेकिन जब हमने एक्सेप्ट कर लिया, आप पिछला कुछ वक्त आप पीछे जाइए वहां पर लोग ये भी बोल रहे थे, अरे मिल रहा है ना भाई, अरे मिल रहा है ना, आप ठियोड़ होंगे यहां से वहां मिल रहा है ना तो क्या फर्क पड़ रहा है, तो जब ऐसी बातें हमको सामने से सुनने को मिल रही थी तो हमने हमारे भी हौसले पस्त हो गए,
हम बोले क्या करें, जब लेने मियां बीवी राजी तो क्या करेगा, क्या करेगा काजी। तो जब जिनको जिनको कब्रिस्तान की जरूरत है वो रेडी है, तो हम उसमें अगर फिर अगर हम उसमें बोलते और वो कुछ हो जाता गड़बड़ तो इसके वजह से हो गए। हमने बोला चलो ठीक है, यहाँ से नहीं वहां मिल रहा है, लोगों ने एक्सेप्ट किया। अब उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज निकल रहे हैं, फिर वो मट्टी के हो पानी या पानी के हो, तो उसके जिम्मेदार वो लोग थे, वो लोग हैं और वो लोग रहेंगे। यस, वो लोग थे, वो लोग हैं, वो लोग रहेंगे। एक्सेप्ट किया उस वक्त वो कब्रिस्तान में एक्सेप्ट किया, बात खत्म हो गई। अब आपने किया है उसको एक्सेप्ट, आप जो है उसको सुधारो। तो क्या मैसेज देंगे आप उन ग्रुप वालों को, उन युवा पीढ़ी को, कि अब मुमरा को कब मिलेगा कब्रिस्तान, या फिर क्या कुछ समझ में आता है, क्योंकि शहर हमारा तो फिकर भी हमारी। अब देखो, एक बार हमने किसी चीज को अपना लिया, अब उसके साथ हमको जीना है, तो उसको सुधार करके उसको जीना है। हम लोग मैं जब भी हम की बात करता हूँ तो मैं मुमरा की बात करता हूँ, मेरी बात करता हूँ, मैं पूरे मुमरा की बात करता हूँ। हम लोग ने अगर कोई चीज को एक्सेप्ट किया है तो अभी हमको उसको कैसे अच्छा करके उसको लोगों की सुविधा के लायक बना सकते हैं वो हमको करना है। अब उसके ऊपर बहस करना बंद करो, अब उसको अच्छा करने की कोशिश करो। मैं मेरी तमाम मुस्लिम आबादी के लोग, मुस्लिम मानने वालों को लोग, मेरी आम से मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आप जो है ना उसको आप सही करो, वो आपके हाथ में है। आप लोगों को मालूम है कि कौन सी मट्टी आनी चाहिए, क्या आना चाहिए, उसको किस तरह से बनाना चाहिए। हम लोग उसके अंदर जानकारी, हमको हम ये बता सकते हैं कि हम लोग का जो हमको जलाया जाता है तो उसमें कौन सी लकड़ी आनी चाहिए, गीली सूखी जो है उसके बारे में हम बोल सकते हैं। आज हमारे भी जो स्मशान भूमि है उसमें बहुत बड़ी गलती है, लोगों ने घर में बैठ करके स्मशान भूमि बना दी है, हमारे इसमें भी गलती है, उसको सुधारेंगे, वक्त आने दो, हम उसको भी सुधारेंगे। लेकिन अब सवाल एक ये आता है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन होते जा रही है मुमरा शहर के अंदर, भविष्य में अगर कब्रिस्तान शमशान भूमि की बात होगी तो कहां मिलेगा मुमरा वालों को कब्रिस्तान? अब जो जहां था वहां तो मिला नहीं, अब जो जगह बची रहेगी वहीं पे, तो हम कहां से जगह कहां से बनेगी अब, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, आखिरी रिजर्वेशन भी बचा है 9-10-11, उसके ऊपर भी अभी तक नहीं मिल रहा है लोगों को, काम नहीं मिल रहा है वहां पर, जो भी फैसिलिटी थी। मेरे मुमरा के कुछ जाने माने लोग हैं, एक एनजीओ है जो अभी रशीद कंपाउंड के अंदर जो कब्रिस्तान जो कुछ पैसों पेज में पड़ा हुआ है उसको खोलने की बात कर रहे हैं। लोग अपने अपने तौर से तरीके कर रहे हैं। मैं अभी आने वाले जो भी या जो सिटिंग है या जो भी आने वाले आमदार है उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपके माध्यम से कि जरूरतों के ऊपर ध्यान दो। हमको ये जो बड़े बड़े जो तामझाम होते हैं उससे अच्छा हमको हमारी जरूरतों पर ध्यान दो। और मैं खास करके जो भी आमदार इस इलेक्शन में आमदार के लड़ना चाहते हैं उन सबसे मैं विनती करना चाहता हूँ कि जब भी आप इलेक्शन चुन के आओगे तो उसमें जो विरोधक होते हैं ना उनको भी आप मीटिंग में बुलाओ और उनसे भी जान लो कि उनकी जरूरतें क्या है। जब एक हाथ और दूसरा हाथ जब मिलकर के काम करेगा तो ही यहाँ का विकास होगा। तो ये थे सुधीर भगत, और बेबाकी से हमारे सारे सवालों का जवाब दिया, जनता को भी बताया, लेकिन जनता की तो बाद में सुनी जा रही है, पहले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले यहाँ पर टेकरा फोड़ रहे हैं सबके सर के ऊपर जा जाके, लेकिन नहीं बात कर पा रहे हैं सिटिंग एमएलए जितेंद्र अवार्ड से रिजर्वेशन के बारे में, क्योंकि सभी को पता है आरटीआई के जरिए बात कीजिए, पत्र व्यवहार कीजिए, सब कुछ कर करके थक गए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कचरे के अंदर वो पेपर ले जाके डाल देते हैं महानगर पालिका के ऑफिसर और बड़े बड़े। अब बात आती है दो लोगों की, एक बनना चाहते हैं आमदार, दूसरे सिटिंग एमएलए। जितेंद्र अवार्ड अगर अच्छा काम की बात करते हैं मुमरा शहर के अंदर तो दे दीजिए वो रिजर्वेशन और जल्द से जल्द उसकी ओपनिंग कर दीजिए, क्योंकि आपने 15 साल लिया है मुमरा शहर के अंदर और आप जीत के भी आज राज कर रहे हो शहर के अंदर, कोई दूसरा चेहरा नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ी लड़ाई मुमरा शहर के अंदर दिख रही है महाराष्ट्र के एमएलए इलेक्शन की, तो आप भी ध्यान रखिए सिटिंग एमएलए जितेंद्र अवार्ड, अगर आप चाहते हो मुमरा शहर के अंदर अच्छा काम हो तो तुरंत 9-10-11 रिजर्वेशन का अलॉटमेंट
डिक्लेयर कर दीजिए, अगर आपके अंदर ऐसा लगता है कि मैं कर सकता हूं तो कर दीजिए, नहीं तो भावी जो उचित है, जो इच्छुत है अपने एमएलए के इलेक्शन के लिए कि मैं जीतूंगा कलवा मुमरा का इलेक्शन, तो उनके लिए 50% चांस है, क्योंकि वो ये बोलेंगे कि हमें जिताओ फिर करेंगे। मैं हूं जहांगीर रियासत, आप देख रहे थे न्यूज़ एफ के।